पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापेमारी शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में की गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई फिरहाद हकीम के अलावा सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को अपने दफ्तर लेकर गई है। बता दें कि 9 मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के इन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाज़त दी थी। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में शारदा स्कैम और नारदा स्कैम लगातार चल रहे हैं। इन मामलों की सीबीआई जाँच भी कर रही है। अलग अलग नेताओं के नाम इन मामलों में सामने आए हैं। इन नेताओं के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर राज्यपाल से अनुमति भी ली गई है। बता दें कि बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक हुए थे। इन स्टिंग्स में टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कंपनी के प्रतिनिधियों से रुपए लेते दिखाया गया था। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज़ पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था।